विवेचना में आज कहानी चंद्रशेखर आजाद की, जिन्होंने कहा था आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। चंद्रशेखर आजाद 1922 में एचआरए के सदस्य बन गए थे। इससे पहले वर्ष 1921 में वो असहयोग आंदोलन के दौरान पकड़ लिए गए थे। मजिस्ट्रेट ने 15 साल के बच्चे से पूछा था, तुम्हारा नाम? उसका जवाब था आजाद। तुम्हारे पिता का नाम? आजादी। तुम्हारा पता? जेल। इन जवाबों से खींचकर उस अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर आजाद को 15 बेंत लगाने की सजा दी थी। जब आजाद को एक खंभे से बांधकर बेंत लगाए जाने लगे तो वो हर बेंत पर चिल्लाकर कहते थे, भारत माता की जय। बेंत की सजा खाने के बाद आजाद को जेल से रिहा कर दिया गया। 1925 का अंत होते होते काकोरी कांड के करीब करीब सभी अभियुक्त पकड़ लिए गए थे, सिवाय कुंदन लाल और चंद्रशेखर आजाद के। उन दिनों उनके साथ ही उनका नाम लेने के बजाय उन्हें नंबर एक और नंबर दो कहकर पुकारते थे। उस जमाने में आजाद बहुत फक्र से कहते थे, मेरे जीते जी कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। वो कहा करते थे, दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। काकोरी ट्रेन डकैती के लिए बिस्मिल ने अपनी मदद के लिए 9 क्रांतिकारियों को चुना था, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, अशफाकुल्ला खां, मुकुंदी लाल, मनमतनाथ गुप्त, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल और चंद्रशेखर आजाद। लूट के बाद आजाद को गठरी में बंधी लूट की रकम को लखनऊ पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी। उस दिन को याद करते हुए मनमतनाथ गुप्त ने अपनी किताब आधी रात के अतिथि में लिखा था, गोमती नदी के किनारे घंटों चलते हुए हम लखनऊ शहर में दाखिल हुए थे। चौक पहुंचने से पहले आजाद ने रुपयों की गठरी रामप्रसाद बिस्मिल के हवाले कर दी थी। मुझे और आजाद को लखनऊ शहर की कोई खास जानकारी नहीं थी। हमें यह भी अंदाजा नहीं था कि हमें कहां जाना चाहिए। आजाद ने हमें सलाह दी, क्यों न हम एक पार्क में सो जाएं। उस जमाने में बेघर लोग अक्सर पार्क में ही सो जाया करते थे। हमने एक पेड़ के नीचे थोड़ी बहुत नींद लेने की कोशिश की। ठंड में हम लोग कांप रहे थे। जैसे ही भोर हुई, चिड़ियां चहचहाने लगी और लोग मंदिरों में जाने लगे। हम लोग भी जाग गए। हम जैसे ही पार्क से बाहर निकले, हमें एक अखबार बेचने वाले की आवाज सुनाई दी, काकोरी में ट्रेन डकैती। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, पार्क में हमारे सोने के दौरान काकोरी में हुई ट्रेन डकैती की खबर चारों ओर फैल चुकी थी। कानपुर के अखबार प्रताप ने, जिसका संपादन गणेश शंकर विद्यार्थी कर रहे थे, क्रांतिकारियों की तारीफ करते हुए सुर्खी लगाई थी, भारत के 9 रत्न गिरफ्तार। लेकिन इन गिरफ्तार लोगों में चंद्रशेखर आजाद नहीं थे। आजाद पुलिस की नजरों से बचते हुए बनारस पहुंच चुके थे। वो पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। पुलिस हाथ धोकर उनके पीछे पड़ी थी, लेकिन वो हर बार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाते थे। काकोरी केस में बड़े क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी के बाद संगठन चलाने की जिम्मेदारी आजाद जैसे जूनियर क्रांतिकारियों पर आ गई थी। जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लाला लाजपत राय पुलिस की लाठी से मारे गए, तो क्रांतिकारियों ने उनकी मौत का बदला लेने की योजना बनाई। योजना बनी कि भगत सिंह लाला लाजपत राय पर लाठी चलवाने वाले साउंडर्स पर गोली चलाएंगे, राजगुरु स्टैंड बाई में रहेंगे और भगत सिंह को कवर देंगे। अगर हमले के बाद कोई इनका पीछा करता है तो पंडित जी उर्फ चंद्रशेखर आजाद उनसे निपटेंगे। जैसे ही साउंडर्स अपने हेड कांस्टेबल चानन सिंह के साथ अपनी मोटरसाइकिल के पास पहुंचा, राजगुरु ने चीते की तरह उछलकर उसके सीने पर फायर कर दिया। अगले ही क्षण
भगत सिंह एक पेड़ के पीछे से कूदे और उन्होंने एक के बाद एक 6 गोलियां साउंडर्स के शरीर में उतार दी। साउंडर्स की उसी समय मौत हो गई। भगत सिंह और राजगुरु दौड़ने लगे। उन्हें पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर फर्न दौड़ा। राजगुरु ने उन पर फायर करने की कोशिश की, लेकिन उनकी पिस्टल का घोड़ा अटक गया। जैसे ही फर्न ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, राजगुरु ने उन्हें इतनी जोर से लात मारी कि वो दूर जा गिरा। राजगुरु और भगत सिंह कॉलेज की तरफ दौड़ रहे थे। उनके पीछे हेड कांस्टेबल चानन सिंह दौड़ रहा था। करीब 50 गज की दूरी से आजाद ये सब नजारा देख रहे थे। चानन सिंह भगत सिंह को पकड़ने ही वाले थे। बाबू कृष्णमूर्ति चंद्रशेखर आजाद की जीवनी आजाद द इनविंसिबल में लिखते हैं। तभी पीछे से आजाद की आवाज गूंजी, रुको। चानन सिंह ने भागते हुए पीछे मुड़कर देखा। आजाद ने चिल्लाकर कहा, रुको, इनका पीछा करना छोड़ दो। चानन सिंह ने आजाद की बात नहीं मानी और भगत सिंह का पीछा करना जारी रखा। जब चानन सिंह ने तीसरी बार आजाद की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया तो आजाद ने फायर किया। गोली लगते ही चानन सिंह नीचे गिर गया। आजाद भी वहां से उठे और गायब हो गए। कुछ दूरी पर साइकिलें उनका इंतजार कर रही थी। भगत सिंह ने साइकिल चलाई, राजगुरु आगे उस साइकिल के डंडे पर बैठे। वो तेजी से नाभा हाउस पहुंचे। इसके बाद क्रांतिकारियों ने तय किया कि वो सेंट्रल असेंबली में बम फेंकेंगे। आजाद ये काम खुद करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उनका कोई साथी तैयार नहीं हुआ। इसके बाद भगत सिंह ने ये जिम्मेदारी उठाने की पेशकश की। चंद्रशेखर आजाद इसके सख्त खिलाफ थे। बाद में सेंट्रल कमेटी की बैठक में भगत सिंह ने ये काम करने के लिए सबको मना लिया। इस काम में उनका साथ देने के लिए पटुकेश्वर दत्त को चुना गया। बाबू कृष्णमूर्ति लिखते हैं, जिस दिन भगत सिंह को असेंबली में बम फेंकना था, आजाद, भगवती चरण, सुखदेव और वैशंपायन भी असेंबली के अंदर पहुंच गए। जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, आजाद खड़े हो गए। भगत सिंह और दत्त ने उनकी तरफ देखा। आजाद ने हाथ के इशारे से उनसे विदा ली और संकेत दिया कि वो अपना काम जारी रखें। जैसे ही जॉर्ज शूस्टर ने खड़े होकर बिल के बारे में बोलना शुरू किया, भगत सिंह ने बम फेंका। बम की जोरदार आवाज और गहरे धुएं के बीच भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, HSRA जिंदाबाद। उन्होंने सदन में पर्चे फेंकने शुरू कर दिए। पूरी असेंबली में भगदड़ मच गई। चंद्रशेखर उसी दिन दिल्ली से झांसी के लिए रवाना हो गए। चंद्रशेखर आजाद का दूसरा नाम तिवारी चंद्रशेखर शर्मा भी था। उनका शरीर गठा हुआ था, जिसे भीड़ में भी पहचाना जा सकता था। उनके गोल चेहरे पर चेचक के दाग थे। उनकी बड़ी भावपूर्ण आंखें थीं, जिन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये किसी क्रांतिकारी की आंखें हैं। उनकी आंखें किसी कवि और संत की तरह शांत और दिलासा देने वाली थी। बलिश शरीर वाले चंद्रशेखर आजाद की मांसपेशियां बहुत मजबूत थी। उनके हाथ लोहे जैसे मजबूत थे। वो दिन में सैकड़ों दंड बैठकें करते थे। वो नाटे कद के थे। उनका कद था 5 फिट 6 इंच। उनकी मूछें दोनों तरफ से ऊपर की तरफ मुड़ी रहती थी। शिव वर्मा अपनी किताब रेमिनिसेंसेज ऑफ द फेलो रेवोल्यूशनरीज में लिखते हैं, चंद्रशेखर वक्त के तगासे के अनुसार कई तरह के कपड़े पहनते थे। कभी कभी जब वो धोती कमीज और बंडी धारण करते थे तो लोग उन्हें उत्तर भारत का अमीर व्यापारी समझते थे। कभी कभी वो कुली का भेष धारण करते थे। तब वो अपने सिर पर लाल कपड़ा बांधते थे और फटे पुराने कपड़े पहनते थे, जिसमें से पसीने की बू आती थी। उनकी दाहिनी बांह में पीतल का बिल्ला इतना वास्तविक लगता था कि कई बार लोग उनसे अपना सामान उठाने के लिए कहते थे। कभी कभी वो कलफ लगी हुई कमीज, शॉर्ट्स, फेल्ट हैट और बूट पहनते थे। उस समय कई पुलिस वाले उन्हें पुलिस अफसर समझकर
सैल्यूट करते थे। जब वो केसरिया वस्त्र पहनकर अपने माथे पर भभूत लगाते थे तो लोग उन्हें सन्यासी समझकर उनके पैरों पर गिर पड़ते थे। लेकिन अपने जीवन के आखिरी समय में आजाद अक्सर धोती और कुर्ता ही पहना करते थे, लेकिन कुर्ते के ऊपर वो जैकेट जरूर पहनते थे ताकि वो उसके अंदर आसानी से अपनी पिस्तौल छिपा सके। मशहूर क्रांतिकारी दुर्गा देवी लिखती हैं, आजाद कभी भी बिस्तर पर नहीं सोते थे, वो आमतौर से जमीन पर पुराने अखबार बिछाकर उसी पर सो जाया करते थे। वो बहुत कम खाना खाते थे, उनकी रोज की खुराक थी सिर्फ दो फुलके और गुड़ के दो टुकड़े। अगर वो भी उन्हें नसीब नहीं होता था तो वो एक आने का भुना हुआ चना खरीद कर खा लेते थे। लेकिन जब उन्हें आराम से खाने का मौका मिलता था तो वो अच्छे भोजन का आनंद भी लेते थे। उनको खिचड़ी बहुत पसंद थी। चंद्रशेखर आजाद का निशाना जबरदस्त था। अपने बचपन में उन्होंने भील बच्चों के साथ तीर चलाने का काफी अभ्यास किया था, लेकिन क्रांतिकारी बनने के बाद उन्होंने तीर कमान की जगह पिस्टल और गोलियां रखना शुरू कर दिया था। चंद्रशेखर के निशाने की तारीफ उनके विरोधियों ने भी की थी। उनके समय में उत्तर प्रदेश के आईजी रहे हॉलिंस ने मेन ओनली पत्रिका के अक्टूबर 1958 के अंक में लिखा था, आजाद की पहली ही गोली नॉट बावर के कंधे में लगी थी। पुलिस इंस्पेक्टर विश्वेश्वर सिंह आजाद पर गोली चलाने के फेर में एक पेड़ के पीछे छिपे हुए थे। तब तक आजाद को दो या तीन गोलियां लग चुकी थी, लेकिन तब भी उन्होंने विशेश्वर सिंह के सिर का निशाना लगाया और वो गोली निशाने पर लगी। उस गोली ने विशेश्वर का जबड़ा तोड़ दिया। ये आजाद के जीवन की आखिरी लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई थी। मैंने आजाद से अच्छा निशानेबाज अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आजाद के मरने के बाद भी नॉट बावर की हिम्मत नहीं हुई कि वो उनके पास जाए। उसने अपने एक सिपाही को आदेश दिया कि ये देखने के लिए कि आजाद जीवित तो नहीं है उनके पैरों पर फायर करो। तब तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र अल्फ्रेड पार्क के आसपास इकट्ठा होने शुरू हो गए थे। 8 लोगों ने उनके पार्थिव शरीर को उठाकर एक गाड़ी में रखा। आजाद की जेब में 448 रुपए पाए गए। जैसे ही राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को इसका पता चला, उन्होंने पुलिस से अनुरोध किया कि उनके शव को उनके हवाले कर दिया जाए, लेकिन पुलिस ने उनके इस अनुरोध को ठुकरा दिया। जब तक बनारस से आए आजाद के संबंधी शिव विनायक मिश्र रसूलाबाद घाट पहुंचते, चंद्रशेखर आजाद का शव आधा जल चुका था। उन्होंने दोबारा आजाद की चिता को मुखाग्नि दी। इस बीच कमला नेहरू अपनी 13 वर्ष की बेटी इंदिरा नेहरू और पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ वहां पहुंच गए। विश्वनाथ वैशंपायन अपनी किताब अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद में लिखते हैं, आजाद की अस्थियों का जुलूस खद्दर भंडार से निकाला गया। लकड़ी के तख्त पर एक काली चादर बिछाई गई। जुलूस शहर में घूमता पुरुषोत्तम दास पार्क पहुंचा। अस्थियों पर शहर में जहां तहां फूल बरसाए गए। उस दिन पूरे शहर में हड़ताल रही। टंडन पार्क की सभा को अन्य लोगों के अलावा शचीन्द्रनाथ सान्याल की पत्नी प्रतिमा सान्याल ने संबोधित किया। आजाद की अस्थियों में से एक अस्थि को आचार्य नरेंद्र देव अपने साथ ले गए। अल्फ्रेड पार्क में जिस पेड़ के पीछे आजाद की मृत्यु हुई थी, आम लोगों ने कई जगह आजाद लिख दिया था। वहां की मिट्टी भी लोग उठाकर ले गए थे। उस स्थान पर रोज लोगों की भीड़ लगने लगी। लोग वहां फूल मालाएं चढ़ाने और दीपक जलाकर आरती करने लगे। इसीलिए एक दिन अंग्रेजों ने रातों रात उस पेड़ को जड़ से काटकर उसका नामो निशान मिटा दिया और जमीन बराबर कर दी। काटे हुए पेड़ को एक सैनिक लॉरी में लादकर दूसरे स्थान पर फेंक दिया गया। अक्टूबर 1939 में उसी जगह पर बाबा राघव दास ने एक और जामुन के पेड़ को लगाया। वो पेड़ आज भी मौजूद है। रेहान फजल, BBC दिल्ली।